बड़ा सवाल यह है कि उत्तराखंड में आज क्या होगा। सवाल इसलिए क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में पिछले 24 घंटे में बड़ा रोचक मोड़ आया है। गुरुवार देर रात देहरादून के होटल में बीजेपी नेताओं की बैठक होती है, शुक्रवार दोपहर विधानसभा में हंगामा होता है और कांग्रेस के 9 विधायक पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चले जाते हैं और शुक्रवार देर रात बीजेपी के विधायकों और नेताओं के साथ कांग्रेस के बागी दिल्ली पहुंच जाते हैं। यानी 24 घंटे में पूरी तस्वीर बदल जाती है। अब सवाल ये कि आज उत्तराखंड में क्या होगा। आज कांग्रेस के बागी विधायक दिल्ली में बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात करेंगे। बीजेपी के नेता हरीश रावत सरकार को हटाने की मांग को लेकर अपनी रणनीति बनाएंगे। उधर देहरादून में हरीश रावत आज अपनी सरकार बचाने के लिए पार्टी नेताओं के साथ माथापच्ची करेंगे। उधर आज राजभवन पर भी सबकी नजर बनी रहेगी। राज्यपाल आज अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज सकते हैं। यानी आज उत्तराखंड के भविष्य का फैसला दिल्ली और देहरादून में एक साथ होगा। उत्तराखंड की राजनीतिक हलचल अब दिल्ली पहुंच गई है। बीजेपी के 26 और कांग्रेस के 9 बागी विधायक देर रात 2 बजे के करीब दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने से पहले इन विधायकों ने देहरादून में राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की। बीजेपी नेताओं ने 35 विधायकों की परेड राज्यपाल के सामने कराई और कहा कि हरीश रावत सरकार को बर्खास्त किया जाए। उत्तराखंड विधानसभा में शुक्रवार दोपहर को जो हंगामा हुआ, देर रात वो राजभवन तक जा पहुंचा। बीजेपी नेताओं और विधायकों के साथ बस में सवार होकर कांग्रेस के बागी विधायक राजभवन पहुंचे। बीजेपी के 26 और कांग्रेस के 9 विधायक जब राजभवन पहुंचे तो देर रात को भी शोरगुल और हल्ला हंगामा का दौर चल रहा था। बीजेपी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी रात के सन्नाटे को चीर रही थी। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल के सामने 35 विधायकों की परेड कराई, बताया कि उनका दावा सच है और सूबे में हरीश रावत सरकार अब अल्पमत में है। सुबह से नेता प्रतिपक्ष जो कि गवर्नर साहब से मिले थे, उन्होंने कहा था कि हम डिवीजन मांग रहे हैं, आप अध्यक्ष जी को कहिए कि मतदान कराएं। मतदान नहीं कराया और अल्पमत की सरकार ने फाइनेंशियल बिल बस झटके से पास कर लिया। मेरा ख्याल है कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रजातंत्र की हत्या हुई। राज्यपाल के सामने 35 विधायकों की परेड कराने के बाद विश्वास से भरे बीजेपी नेताओं की सिर्फ एक मांग थी, सूबे की सरकार को बर्खास्त किया जाए। बीजेपी नेताओं का दावा है कि सदन में बजट पर हरीश रावत सरकार हार गई है। 35 विधायक उनके साथ हैं। इसके अलावा पार्टी को 3 और विधायकों का समर्थन हासिल है। ऐसे में सबसे पहले हरीश रावत सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। विधानसभा के पटल पर सरकार अल्पमत में है, ये सिद्ध हो गया। सरकार के साथ उनके मंत्री नहीं है, उनके विधायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वहां मेजॉरिटी में हुई, 26 हमारे आज सदन में थे और 9 कांग्रेस के लोग मिलकर हमारी मेजॉरिटी हुई और कांग्रेस की सरकार अल्पमत में है, ये एक बार वापस साबित हो गया। अभी 35 विधायक हमारे पास इस समय वर्तमान में है, कांग्रेस के पास 32 विधायक हैं, क्योंकि जिस समय वोटिंग हुई थी उस समय 26 हमारे विधायक और 9 विधायक कांग्रेस के, उन्होंने वोट किया है और 3 विधायक अनुपस्थित थे और 3 में से भी हमारे एक विधायक को गिरफ्तार कर लिया, इसलिए हमारे पास क्लियर मेजोरिटी है। मैं समझता हूँ वैसे भी वो सरकार स्वतः ही उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। राज्यपाल जी से हमने कहा कि उस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। हरीश रावत सरकार की उल्टी गिनती तभी से शुरू हो गई थी जब गुरुवार देर रात 3 बजे देहरादून के एक होटल में बीजेपी के आला नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि उत्तराखंड में सियासी तूफान आ गया। विधायकों की बगावत के बाद अब तय है कि हरीश रावत सरकार के दिन पूरे हो चुके हैं। सोनू सिंह, इंडिया 24/7, देहरादून। और दिल्ली में क्या कुछ गतिविधियां हैं इसके लिए सीधे रुख कर लेते हैं आप न्यूज रूम का, जहां से हमारे संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ देहरादून से हमारे संवाददाता सोनू सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनसे जानेंगे कि देहरादून में इस वक्त किस तरीके की हलचल देखी जा रही है। लेकिन ब्रजेश, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। बीजेपी के नेताओं के साथ कांग्रेस के कई विधायक दिल्ली पहुंचे हैं, तो ऐसे में किस तरीके की गतिविधियां देखी जा रही है?
जी देखिए, आज देर रात 2 बजे के बाद जो है उत्तराखंड से सभी 35 विधायक, जिसमें 26 बीजेपी के हैं और 9 कांग्रेस के, सभी विधायक स्पेशल प्लेन से दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिन्हें गुड़गांव के एक होटल में ठहराया गया है। और वो आज बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे और जो बीजेपी के उत्तराखंड के नेता हैं वो सभी विधायकों की वहाँ पर परेड कराएंगे। और उसके बाद जो बीजेपी आलाकमान का फैसला होगा, उसके बाद उत्तराखंड की राजनीति किस करवट बैठेगी इस पर फैसला होगा। लेकिन कल ही जिस तरीके से राज्यपाल से चुके हैं और कहीं ना कहीं हरीश रावत की सरकार अल्पमत में आ गई है, तो राजनीतिक संकट तो गहरा गया है। और आज वो पूरा जो राजनीतिक उथल पुथल है वो दिल्ली में बढ़ी हुई होगी, क्योंकि शायद उम्मीद की जा रही है कि शायद 10 या 11 बजे के आसपास जो है गुड़गांव से ये सारे जो बीजेपी के और कांग्रेस के विधायक हैं ये सभी दिल्ली कूच करेंगे और उसके बाद दिल्ली में बीजेपी के आला नेताओं से जानना चाहेंगे कि कौन कौन से विधायक है इसमें, क्योंकि तस्वीरों में हम देख रहे हैं विजय बहुगुणा नजर आ रहे हैं, अमृता रावत नजर आ रही है, और कौन कौन से विधायक है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत, विजय बहुगुणा और अमृता रावत ही इनका जो है जो बागियों का नेतृत्व कर रहे हैं। और इन्हीं के नेतृत्व में जो है बीजेपी के तमाम जो पूरे विधायक बीजेपी के और उसके साथ ही जो कांग्रेस के विधायक हैं वो सभी मिलकर के आज यहाँ पर आए हुए हैं और जो बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे। जी बिल्कुल ब्रजेश, आप बने रहे हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। और अब रुक कर लेते हैं सोनू का। सोनू, ये बताइए कि देहरादून में किस तरीके की हलचल देखी जा रही है, क्योंकि आज फैसला दोनों जगह टिका हुआ है, एक तो दिल्ली में क्या फैसला होता है, दूसरा राजभवन पर भी सबकी नजरें हैं। बिल्कुल ठीक कहा दिव्या आपने, रात के 2 बजे के बाद लोग भले ही ये उम्मीद कर रहे हों कि प्रदेश के लोग सो रहे हों, लेकिन यहाँ सोना कम और सियासी गुणा भाग ज़्यादा करने में लोग लगे हुए थे। खास तौर पे आज 2-3 पहलू सामने आने वाले हैं। एक तो जो राज्यपाल की रिपोर्ट है वो केंद्र को जाने वाली है और वो एक बड़ा काम करने वाली है। दूसरा जो पहलू है दिव्या वो ये है कि जो हरीश रावत कैंप है, हरीश रावत के समर्थक विधायक जो हैं उनकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ हरीश रावत की ही एक प्रतिक्रिया सामने आई है। जो हरीश रावत के सपोर्टिव विधायक हैं, जो समर्थन में हैं, और जो PDF फ्रंट के विधायक है, इनकी तरफ से कोई किसी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं आई। यानी कल दोपहर के बाद से ही जो हरीश कैंप है वहाँ सन्नाटा सा नजर आ रहा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हरीश समर्थक विधायक हैं वो पहले से ही अपने हाथ खड़े कर चुके हैं और वो ये महसूस करने लगे हों कि सरकार इस वक्त जो है वो अल्पमत में है और उनके पास कोई रास्ता नहीं। लेकिन अभी हम इसको पूरी तरह मान नहीं सकते, चूंकि दिव्या आप भी जानते हैं हरीश रावत कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं और ऐसे में हरीश रावत राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। बिल्कुल, तो जिस तरीके से बार बार हरीश रावत ये कह रहे हैं कि मुझे पूरा भरोसा है और कोई खतरा नहीं है कुर्सी पर, ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ फॉर्मूले तो सरकार के पास भी है ना, जो कि जोड़ा जा सके, गुड़ा भाग लगातार हो रहा है। बिल्कुल, इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से बार बार ये बात कही जाती है कि हरीश रावत राजनीति के एक माहिर खिलाड़ी है, एक सियासी दांव पेंच को जानते हैं कैसे चलना है, उसके बाद देखी जाएगी तस्वीर जब तक हरीश रावत अपने पूरे पत्ते नहीं खोल देते जो सियासी पत्ते उनके पास हैं। एक रोज पहले उन्होंने एक बयान जरूर दिया था कि कुछ विधायक बीजेपी के उनके संपर्क में हैं, तो आज ये जानना जरूरी है कि आखिर वो बीजेपी के कौन ऐसे विधायक हैं जो हरीश रावत के सीधे संपर्क में हैं, या हरीश रावत ने सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए इस तरीके का बयान दिया है। तो यह देखना होगा कि हरीश रावत और पूरे कांग्रेस का जो यहां संगठन है और कांग्रेस के जो विधायक हैं उनकी आज क्या रणनीति होगी, किस तरह से वो अपने को डिफाइन करेंगे, या उनके तर्कस में अभी राजनीतिक तीर बाकी हैं, यह देखना होगा। और दूसरा जो अहम पहलू है वो ये है कि राज्यपाल की रिपोर्ट सेंटर को जाएगी, और तीसरा ये कि उत्तराखंड के जो राजनीति के जानकार हैं वो आखिर अब इन समीकरणों को किस रूप में देख रहे हैं। यह बात तो तय हो गई कि हरीश रावत की सरकार पे संकट है, हरीश रावत की सरकार अल्पमत में है और हरीश रावत इस वक्त चिंतित नजर आ रहे हैं, लेकिन हरीश रावत की रणनीति क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। हरीश रावत की कुर्सी पर संकट तो नजर आ रहा है, लेकिन अब ये देखना होगा कि किस तरीके से इस संकट से मुक्ति पाई जाती है। सोनू, अब बने रहे हमारे साथ और आपको बताते हैं कि कांग्रेस के वो कौन से 9 विधायक हैं जिन्होंने हरीश रावत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। बागियों में सबसे बड़ा नाम हरक सिंह रावत का है, वो हरीश रावत की सरकार में कृषि मंत्री थे। बागियों में दूसरा बड़ा नाम विजय बहुगुणा का है, हरीश रावत से पहले विजय बहुगुणा ही उत्तराखंड के सीएम थे। विजय बहुगुणा फिलहाल सितारगंज से विधायक हैं। उत्तराखंड सरकार में पर्यटन मंत्री रही अमृता रावत भी बागियों में शामिल हैं। रामनगर से विधायक अमृता रावत सतपाल महाराज की पत्नी है।
खानपुर से विधायक और हरीश रावत सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री कुंवर प्रणव चैंपियन भी बागियों में शामिल हैं। नरेंद्र नगर से विधायक सुबोध उनियाल भी बागियों में शामिल हैं। रुड़की से विधायक प्रदीप बत्रा ने भी हरीश रावत के खिलाफ बगावत की है। जसपुर से विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल भी बगावत करने वाले विधायकों में शामिल हैं। केदारनाथ से विधायक शैला रानी रावत भी बागियों में शामिल हैं, जबकि रायपुर विधानसभा से विधायक उमेश शर्मा काऊ भी बागियों में शामिल हैं। और हमारे संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, ये जो बागियों की लिस्ट अभी हमने दिखाई, इसमें वो ही लोग नजर आ रहे हैं जो कि हसरत पाले हुए थे कि या तो उन्हें कोई बड़ा पद मिलेगा, मंत्री पद मिलेगा, और ऐसा नहीं हुआ, जिसके चलते अब विरोध के स्वर उठने लगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था, हरीश रावत को कमान दी गई थी, तो तभी से माना जा रहा था कि विजय बहुगुणा जो गुट है वो पूरी तरीके से हरीश रावत के खिलाफ पार्टी में रहकर के ही काम कर रहा है। और उसके बाद अब जब हरक सिंह रावत ने भी इसका विरोध किया, उसके बाद से तो साफ हो गया था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का टूटना तय है। और अब जिस तरीके से विजय बहुगुणा, हरक सिंह रावत और अमृता रावत, ये सभी लोग एक मंच पर आ गए हैं, तो निश्चित रूप से अब जो कांग्रेस के लिए संकट बेहद बढ़ गया है और जो हरीश रावत सरकार है वो अब संकट में आ गई है। और आज पूरी रणनीति तय हो जाएगी, जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के सभी विधायक मिलकर के आज बीजेपी के आला नेताओं से मिलेंगे, और उसके बाद जो आला कमान का फैसला होगा उसके बाद जो है उत्तराखंड की राजनीति किस करवट बैठेगी ये तय हो जाएगा। बिल्कुल, तो आज जो फैसला होना है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि क्या कुछ फैसला लिया जाता है इस मुलाकात के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश श्रीवास्तव इस जानकारी के लिए। सोनू सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बीजेपी दावा कर रही है उत्तराखंड में नंबर उसके साथ हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हरीश रावत कहते हैं कि वो अब भी सदन में अपना बहुमत साबित कर देंगे। सीएम विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाने की चुनौती दे रहे हैं, और इन सब के बीच कल तक हरीश रावत कैबिनेट में मंत्री रहे नेता आज रावत सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा में हुए हंगामे के साथ ही साफ हो गया था कि सूबे की राजनीति अब नई करवट लेने वाली है। सदन में जैसे ही सरकार ने बजट पर वोटिंग का प्रस्ताव पेश किया तो हंगामा शुरू हो गया। कल तक हरीश रावत के कैबिनेट में अहम सहयोगी रहे हरक सिंह रावत सरकार के खिलाफ हो गए। विधानसभा में ही सीएम के समर्थकों के साथ हरक सिंह रावत की झड़प भी हो गई। उसके बाद विधानसभा में सियासी तूफान आ गया। बीजेपी विधायक हंगामा करते रहे और कांग्रेस कहती रही कि बजट पास हो गया है। देर रात बीजेपी नेता राज्यपाल के सामने 35 विधायकों की परेड कराए, लेकिन उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत अभी कहते हैं कि बहुमत मेरे साथ है। दावा किया जा रहा है पूरी तरीके से बहुमत में है। यदि प्रतिपक्ष को हमारे बहुमत में कोई शक है तो हाउस अभी सेशन में है, वो अविश्वास का नोटिस दे और जो है हम फ्लोर पर अपना बहुमत सिद्ध कर लेंगे। कांग्रेस के 9 बागी विधायकों का नेतृत्व वही विजय बहुगुणा कर रहे हैं जिनको हटाकर हरीश रावत उत्तराखंड के सीएम बने थे। बागियों में हरीश रावत के कृषि मंत्री रहे हरक सिंह रावत का नाम भी शुमार है। हरीश रावत से नाराज होकर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए सतपाल महाराज की पत्नी अमृता रावत भी बागियों में शामिल हैं। अब ये नेता कह रहे हैं कि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने बगावत की है। तो हम तो इंदिरा गांधी के चेले हैं, उन्होंने कहा था कि आत्मा की आवाज सुनो। जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था याद है कि नीलम संजीवा रेड्डी को लड़ाया था कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने और प्रधानमंत्री थी, फिर भी प्रधानमंत्री ने कांग्रेस कैंडिडेट के खिलाफ अपील की थी सांसदों को, विधायकों को कि आत्मा की आवाज सुनो और राष्ट्र हित में निर्णय लो। हम लोगों ने स्वार्थ ना देख करके राज्य के हित में एक ऐसी सरकार हटाई है जो मूल्यों से भटक गई थी। यह सरकार जिस तरह माफियाओं की सरकार हो गई थी, जिस तरह जन विरोधी निर्णय सरकार में लिए जा रहे थे, और निश्चित रूप से जैसी सरकार बर्खास्त होती है तो निश्चित रूप से उसके बाद हम एक स्वस्थ और अच्छी सरकार प्रदेश को देने के लिए वचनबद्ध हैं। उत्तराखंड में राजनीति का ऊंट
किस करवट बैठेगा ये अब साफ साफ दिख रहा है। हरीश रावत बेशक कह रहे हैं कि बहुमत उनके साथ है, लेकिन कांग्रेस की नाव में बड़ा सुराख हो गया है और अब सूबे में कांग्रेस सरकार का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। हरक सिंह रावत और सतपाल महाराज, ये तीन जो अलग अलग धड़े थे कांग्रेस पार्टी में, ये तीनों के तीनों अलग अलग समय में हरीश रावत से लड़ते रहे और हरीश रावत ने इन तीनों में से कभी एक गुट को साथ लेकर दूसरे गुट को पटकनी दी और कभी दूसरे गुट को साथ लेकर तीसरे गुट को पटकनी दी। अब लगता है कि ये तीनों नेता इस बात को समझ गए हैं कि उनके अलग अलग रहकर आपस में लड़ने का सर्वाधिक अगर राजनीतिक फायदा किसी को मिला कांग्रेस पार्टी में तो वह हरीश रावत को मिला और हरीश रावत ने विजय बहुगुणा को हटवा के मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की। सरकार का जो दिन है वो बहुत कम है और दावा चाहे जितना किया जाए लेकिन जो एक विघटन जो एक बिकरिंग अब सरफेस पर आ गई है उसको संभाल पाना कांग्रेस नेतृत्व के लिए आसान नहीं होगा। आने वाले टाइम में या तो भारतीय जनता पार्टी इन कांग्रेस के बागी विधायकों को साथ लेके सरकार बनाने की कोशिश करेगी या चाहेगी कि प्रदेश में राज्यपाल या राष्ट्रपति शासन लागू कराकर फ्रेश चुनाव कराया जाए। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद देश के चंद सूबों में ही कांग्रेस की सरकार बची हुई है। पहले अरुणाचल में हुई बगावत से कांग्रेस की सरकार गिर गई, अब उत्तराखंड भी उसी रास्ते पर है। जाहिर है कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका है। सोनू सिंह, इंडिया 24/7, देहरादून। हरीश रावत अपनी सरकार बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं लेकिन आंकड़े उनके पक्ष में नहीं हैं। और तो और जो विधायक कल तक हरीश रावत के नेतृत्व को सबसे अच्छा बताते थे आज वही कांग्रेस के बागी हरीश रावत सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अचानक नहीं था, खासकर हमारे डिजास्टर वाले क्षेत्र में पुल नहीं बन पाए और लोगों को मुआवजा पूरा नहीं मिल पाया। देखिए केदार धाम अलग बिंदु है, वो राष्ट्रीय धरोहर, लेकिन केदारनाथ विधानसभा अलग बात है जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ जनजीवन है। तो तमाम परेशानियाँ थी, युवा हमारे बहुत बेरोजगार और उनके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ और ये मैंने किया। हम लोग जो अपना मेमोरेंडम देते हैं उसको पूरा करते हैं। जब जनता के बीच में अपनी बात नहीं ले जा पा रहे थे, माफियाज्म में और सिंडिकेट में उलझ कर रह गए थे तो मजबूरी थी, हमें रेवोल्यूशन करना पड़ा। उत्तराखंड में करप्शन की अति हो गई थी और जो मोदी जी की लीडरशिप है उससे कांग्रेस के हम लोग प्रभावित थे। आज नेशनलिज्म के इशू पे, पेट्रियोटिज्म के इशू पे आज हम उनके साथ आए और उत्तराखंड में करप्शन खत्म किया। कांग्रेस के नौ विधायकों के बगावत के बाद उत्तराखंड में आंकड़े कुछ बदल गए हैं। आपको बताते हैं कि कैसे बीजेपी दावा कर रही है कि उसके पास बहुमत है। बीजेपी के 28 विधायक हैं, कांग्रेस के नौ बागी बीजेपी के साथ हैं, दोनों की संख्या 37 होती है, यानी बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के पास है। बीजेपी ने 35 विधायकों की परेड राज्यपाल के सामने कराई। और अब आपको बताते हैं कि नौ विधायकों की बगावत के बाद हरीश रावत सरकार के पास कितने विधायकों का समर्थन बाकी है। विधानसभा में कांग्रेस के 36 विधायक हैं, नौ विधायकों के बगावत के बाद कांग्रेस के विधायकों की संख्या 27 रह गई। तीन निर्दलीय, बीएसपी के दो और यूकेडी के एक विधायक का समर्थन हरीश रावत के साथ है, यानी हरीश रावत के साथ इस वक्त 33 विधायकों का समर्थन है। ये आंकड़ा बहुमत के आंकड़े से 3 कम है।